कसरौत तहसील के ग्राम पंचायत बलकवाड़ा में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्षेत्र की जनता के लिए बड़ी सौगात दी है। रविवार को 5,72,00,000 की लागत से बनने वाले 30 बिस्तरीय अस्पताल भवन का सांसद गजेंद्र पटेल और क्षेत्रीय विधायक सचिन यादव के द्वारा भूमि पूजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी सांसद और कांग्रेस विधायक द्वारा दलगत राजनीति के ऊपर उठकर विकास कार्य के लिए एक मंच पर आकर यह बता दिया कि कसरौत विधानसभा में विकास कार्यों की सौगात मिलती रहेगी। साथ ही अस्पताल भवन को चुनाव के पहले तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कसरावास से अखिल खान की रिपोर्ट। दीपावली पे सौगात दी है, करोड़ों की सौगात दी है, इसको लेके आप किस सोच किस उद्देश्य के साथ? मैं मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि कोरोना काल के बाद में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने इतनी विशेष करके योजना संचालित की जिसके आधार पर गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन, जहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं, बेडों के बढ़ोतरी व्यवस्थाओं को लेकर भी चरम व्यवस्थाएं, डॉक्टरों की पदस्थापनाओं को लेकर तुरंत आवेदन देना और तुरंत पोस्टिंग करना, सीएचओ के माध्यम से हमारी एएनएम बहनों को भी हॉस्पिटल पे पोस्टिंग करना, इस प्रकार के तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं कोरोना के बाद में चल रही है। और आज मैं कसरावत की विधानसभा के इस बलकवाड़ा में उपस्थित हूँ। मेरे साथ क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय आत्माराम जी, हमारे मंडल अध्यक्ष दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ उपस्थित हैं। और ऐसी सौगात जो लंबे समय से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता की डिमांड थी, उस डिमांड के आधार पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने प्रमुख तौर पर बलकवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वीकृत किया है उन्नयन करने के लिए। और 5,72,00,000 का बनने वाला, जिसमें 6 बेड से बढ़कर 30 बेड का यह हॉस्पिटल बनने वाला, जिसमें अलग से मेडिकल रूम भी रहेगा, बेडों के रूम भी रहेंगे, स्टाफ नर्स का रूम भी रहेगा, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं भी रहेगी। और निश्चित तौर पर दिवाली के अवसर पर यह सौगात मिल रही है और आने वाले चुनाव के पहले पहले भवन निर्माण हो जाएगा और हमारे लोगों को इसकी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। और इसलिए कहता हूँ कि संत सनातन धर्म की पहचान अयोध्या में जन्मे राम जी के आधार पर, भगवान शिव के सोमनाथ के आधार पर, भगवान भोलेनाथ के केदारनाथ के आधार पर, एक नए उज्जैन के महामंडलेश्वर के आधार पर होने जा रहा है। दुनिया के नक्शे पर हिंदुत्व की पहचान देने के नाम पर अगर किसी सरकार ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। दीपो का त्योहार चल रहा है आज अयोध्या में, देश के प्रधानमंत्री जी आज पहुंचेंगे। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं, क्योंकि दीपावली का त्योहार हम सबका त्योहार है, उस अयोध्या में आज घर घर दीपक लगेंगे। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को आप देखें, एक नई पहचान के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में, एक नए रंग के साथ में देश के प्रधानमंत्री अयोध्या की धरती पर आ रहे हैं और इस अयोध्या की धरती से दीपक के प्रकाश के साथ में एक नई रोशनी फैले, उस आह्वान के साथ में मैं पुनः उस कार्यक्रम में आप सब लोग शामिल हो, यही आशीर्वाद और संदेश देकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। दीपावली पे सौगात दी है, करोड़ों की सौगात दी है, इसको लेके आप किस सोच किस उद्देश्य के साथ? मैं मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि कोरोना काल के बाद में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने इतनी विशेष करके योजना संचालित की जिसके आधार पर गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन, जहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं, बेडों के बढ़ोतरी व्यवस्थाओं को लेकर भी चरम व्यवस्थाएं, डॉक्टरों की पदस्थापनाओं को लेकर तुरंत आवेदन देना और तुरंत पोस्टिंग करना, सीएचओ के माध्यम से हमारी एएनएम बहनों को भी हॉस्पिटल में पोस्टिंग करना, इस प्रकार के तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं कोरोना के बाद में चल रही है। आज मैं कसरावत की विधानसभा के इस बलकवाड़ा में उपस्थित हूँ। मेरे साथ क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय आत्माराम जी, हमारे मंडल अध्यक्ष दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ उपस्थित हैं। और ऐसी सौगात जो लंबे समय से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता की डिमांड थी, उस डिमांड के आधार पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने प्रमुख तौर पर बलकवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वीकृत किया है उन्नयन करने के लिए। और 5,72,00,000 का बनने वाला, जिसमें 6 बेड से बढ़कर 30 बेड का यह हॉस्पिटल बनने वाला, जिसमें अलग से मेडिकल रूम भी रहेगा, बेडों के रूम भी रहेंगे, स्टाफ नर्स का रूम भी रहेगा, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं भी रहेगी। और निश्चित तौर पर दिवाली के अवसर पर यह सौगात मिल रही है और आने वाले चुनाव के पहले पहले भवन निर्माण हो जाएगा और हमारे लोगों को इसकी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।